तो गाइस मेरा देखिए आप नाम चेंज हो चुका है रेड कलर में। अगर आपको भी करना है तो वीडियो को पूरा देखें। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो भाई लोगों कैसे हो यार तुम लोग। तुम्हारा भाई एक और नई ट्रिक लेके आ चुका है जिसमें आप अपने नाम चेंज कर सकते हो स्टंबल गाइज में, जैसे रेड, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, जो भी कलर आप चाहो। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई फ्यूचर में ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स लाता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी ऐसे नाम चेंज कर पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आईडी बैन नहीं होने वाली। ये आईडी बैन हो ही नहीं सकती इस ट्रिक से। ये एक कोडिंग होती है, इससे बिल्कुल आईडी बैन हो ही नहीं सकती। आप सोचो कि ये आईडी बैन हो जाएगी, मैं रेड कलर कर लूँगा, ऑरेंज कलर कर लूँगा, आईडी बैन हो जाएगी, वो बिल्कुल मत सोचना। आईडी तो बिल्कुल बैन नहीं होगी, बस इनके नाम चेंज नहीं होते। अगर आप लकी हो तो अभी आपके नाम चेंज होंगे, जैसे रेड में हो जाएगा। 90% लोगों के नहीं होते, 10% लोगों में आप हो, आप एक बार ट्राई कर लेना, आपके नाम चेंज हो जाए तो और भी बढ़िया है, मगर मेरे तो नहीं हुआ। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना गेम ओपन कर लेना है। तो गेम ओपन करने के बाद आपको ये नाम चेंज वाले सेक्शन में जाना है। अब मैं बताता हूँ कईयों का फ्री में नाम भी चेंज होता रहता है और कईयों के 100 जेम्स लेता है। आपको 100 जेम्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप गेम को इंस्टॉल करें और फिर वापस इंस्टॉल करें तो वो वापस फ्री में नाम चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कौन कौन सी कोडिंग होती है जिससे आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग है ये, देखिए ये है। अब मैं यहाँ पर कोई भी नाम मैं आपको ये कोडिंग ये वीडियो के ऊपर दे दूँगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। तो अब मैं अपना नाम लिखता हूँ एनबिक्स। ये देखिए अब ये आ गया कलर में, ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं, अब ये कौन सा कलर है वो मेरे को नहीं पता। अब रेड कलर के लिए मैं बताता हूँ अब आपको रेड कलर के लिए कौन सी कोडिंग है। F10 क्लोज एनबिक्स। ये देखिए अब मेरा रेड कलर आ चुका है। अब अपने दोस्तों आप बता सकते हैं और भी मैं बताता हूँ, ब्लू कलर की बताता हूँ आपको। अब बस आपको यहाँ पर 109 लिखना है एंड फिर से क्लोज। ये देखिए मेरा डार्क ब्लू कलर आ चुका है। अगर आपको पिंक कलर चाहिए, आप लड़की हो तो पिंक कलर भी है यहाँ पर। पिंक कलर के लिए F39 फिर क्लोज। वो मैंने गलती से कहाँ क्लोज कर दिया, इधर क्लोज करना है। हैशटैग यहाँ ये देखिए आप पिंक कलर भी हो चुका है अपना। अब मैं आपको बताता हूँ ऑरेंज कलर के लिए क्या करते हैं। ऑरेंज कलर के लिए बस आपको यहाँ 30 लगाना है, 39 नहीं 30। अरे ये तो रेड कलर हो गया। ऑरेंज कलर के लिए आपको 90 लगाना है, ये देखिए आपका ऑरेंज कलर हो चुका है। और आप बहुत सारे ऐसे कलर कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, आप नंबर डालते रहिए, वो कलर्स आते रहेंगे कि ये जो कोडिंग है ना मेन, उसमें नंबर्स डालते रहिए तो वो अलग अलग कलर्स के नेम आ सकते हैं। तो इस ऐसे आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं कलर में और अपनी अलग गैंग बना सकते हैं। हाँ भाई हमारे सबका पूरा रेड कलर है, हमारे पूरा ऑरेंज कलर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।